न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने का आरोप लगाया। चैंपियन ने कहा कि वो मेरठ, बिजनौर, अमरोहा या सहारनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जिस सीट से भी रहेगी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी ने चैंपियन पर पार्टी विरोधी बयान देने पर नोटिस भी जारी किया है। वहीं पार्टी की माने तो चुनाव लड़ना उनका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने को लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की माने तो चैंपियन पहले भी कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, यानी कि साफ है कि पार्टी कहीं ना कहीं गलत नीतियों पर चलती है, इसलिए परिवार के लोग ही इस तरीके की आवाज उठाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यह बयान दिया तो सियासी खेमे में हलचल मच गई। इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। उनकी अपनी निजी राय है और वो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सिपाही जो होगा वो अनुशासन के दायरे में भारतीय जनता पार्टी में रह सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा ही हर कार्यकर्ता से अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और वो अपने बयानों के लिए जो है बहुत ही चर्चित रहते हैं। उन्होंने बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है कि भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने जो है भाजपा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका हरिद्वार में निभाई और उससे बड़े खिन्न नजर आए। इस प्रकार के जो है खुले आरोप भाजपा में वैसे कोई नेता लगा नहीं सकता, लेकिन अगर चैंपियन जी ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं तो उसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। और भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है, अनुशासन का जो ड्रामा भाजपा करती है, जिसका बखान करती है, उसकी जो है कलई खुल रही है। उन्होंने कहा भी कि उत्तराखंड जो है अब राजनीति के लिए मुफीद जगह नहीं है, अब वो जो है उत्तर प्रदेश से जो है राजनीति करेंगे। तो भाजपा में किस तरीके की जो है टांग खिंचाई की प्रतियोगिता चल रही है, किस प्रकार से जो है संगठन के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है तो वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इससे जनता पर असर पड़ सकता है, प्रदेश की जनता पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन प्रशाली जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और अमनदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नवीन प्रशाली जी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विवादों से नाता रहा और कई ऐसे विवादित बयान इन्होंने दिए हैं, कई ऐसे विवादित कृत्य इन्होंने किए हैं जिसके बाद ये सुर्खियों में आए, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक बार फिर से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंवर प्रणव चैंपियन, उनका बड़बोलापन और समय समय पर असंतुलित बयान उनके लिए भारी पड़ते हैं। ये आज से नहीं बल्कि कांग्रेस में रहते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी सबसे अपेक्षा करती है कि अनुशासन का अनुशासन दिखाया जाए, अनुशासन का पालन किया जाए, और उसमें अगर कोई नहीं करता है पालन तो उसको उस पर संज्ञान लिया जाता है। और पार्टी ने यहाँ पर उनके इस बयान पर संज्ञान लिया है, उनको नोटिस भी जारी किया है और उनको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। नोटिस का जवाब तो देना पड़ेगा, नोटिस भी जारी किया है, लेकिन जो कांग्रेस ने आरोप लगा दिए हैं कि अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो भीतरघात हो रहा है अंदर। देखिए, भीतरघात का दो उनकी बयानबाजी है, उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है। अगर उनके पास कोई ऐसे तथ्य थे तो उनको पार्टी के फोरम पर रखने चाहिए, और अगर अभी भी होंगे तो प्रस्तुत करेंगे, इसलिए नोटिस का जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसलिए पार्टी ने उनको नोटिस दिया। देखिए, एक पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, उसी में से एक शख्स उसी पार्टी का निकलकर सामने आता है जिसका बीजेपी से नाता रहा, तो कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई सरकार के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं या तो नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई कुछ गड़बड़ है। देखिए, प्रणव चैंपियन का सरकार से कोई लेना देना नहीं है उनका इस वक्त, वो ना तो विधायक है और ना ही सरकार में कोई दायित्वधारी है। सरकार अलग है, पार्टी अलग है, पार्टी के एक
कार्यकर्ता के तौर पर है और पार्टी में कई कार्यकर्ता सभी होते हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, अनुशासित पार्टी है। अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी फोरम से बाहर कोई अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है और ऐसी प्रक्रिया उनके लिए अपनाई गई है और जिसमें उनको जवाब देना पड़ेगा और जब उनका जवाब आएगा तो उसके बाद आगे की चर्चा फिर उसमें की जाएगी। नवीन जी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये कुंवर प्रणव चैंपियन तय करेंगे या भाजपा आला कमान तय करेगा कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसको लड़वाना है? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल तो कह सकता है मैं चुनाव लड़ूंगा, यहां से लड़ूंगा, वहां से लड़ूंगा, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा किसको कहां से टिकट देना है। तो टिकट की जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता, कोई इंडिविजुअल तय नहीं करता। तो जब समय आएगा तो उस वक्त कौन कहां से लड़ेगा वो बात की बात है, वो गर्व में है भविष्य के। तो कोई अगर इंडिविजुअल बोले कहीं से, कल को मैं बोलने लगा मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, कोई बोले वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन पार्टी कोई राय ऐसी नहीं है। अभी मनवीर चौहान साहब को हमने सुना, उनकी बाइट सुनी हमने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जो पार्टी है ना वो अपने भाषा को बहुत मर्यादित रखती है और संतुलित रखती है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक विचारधारा अलग है। लेकिन जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कह रहे हैं कि वो भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को क्या जगह मिल पाएगी या भाजपा नीति है तो कहीं ना कहीं इससे एक नेगेटिव छवि जा सकती है? नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मैं उसका तात्पर्य समझ रहा हूं कि अगर मैंने कहा कि देखो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें कई कार्यकर्ता होते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता किसी समय पर अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अब जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है वो केवल और केवल संगठन तय कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर सकता है, वो कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक व्यक्ति का ये कहना कि मैं कहीं से चुनाव लड़ूंगा क्या, उनका अपना निजी बयान हो सकता है, उसका पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अमनदीप जी, मौका मिल गया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस पर ही अब हमेशा से भाजपा आरोप लगाती रही है कि इनके भीतर खाने कुछ ठीक नहीं है, खटपट चल रही है, एक मौका मिल गया है कांग्रेस को, तो किस तरह से भुनाया जाए? काजोल जी, देखिए मौका तो क्या ही मिला है कांग्रेस को। कांग्रेस समय समय पर आवाज उठाती आई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो। देखिए सोचने का विषय तो यह है कि जो सरकार भाजपा की अनुशासन की दुहाई देती है गली मोहल्लों में जा जाके, आज उनका ये चीजें समस्त प्रदेश के आगे आ रही है कि उनकी पार्टी के लोग ही किस पर, और ऐसा भी नहीं है कोई आम कार्यकर्ता, इनकी पार्टी से विधायक रहे हैं खानपुर से, और इतनी मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के अंदर भी बहुत पावरफुल शख्सियत है इनकी, और जिस प्रकार से जो चैंपियन जी के द्वारा ये जो भाषण बोला गया, और सबसे बड़ी बात है देखिए किसी पे आरोप लगाना, और अभी वो भी अपनी पार्टी के पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा देना है कि जी उनकी वजह से हरिद्वार में चुनाव आ रही है सरकार भाजपा की, तो ये जो आरोप है अगर उनके पास कुछ चीज है और पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि अंतर कलह है और दिक्कतें हैं, तभी तो वो उनके द्वारा ये बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। ये तो है नहीं कि और अब पार्टी ने नोटिस दिया वो जवाब देंगे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से साफ होता है कि सरकार जो बोलती थी हमारे यहाँ अनुशासन है, हम बहुत तरीके से हमारे नेता और मंत्रियों को हम रखते हैं और ये सब चीजें हैं हमारे अंदर, अंतर कले नहीं है, वो सामने आ गया कि किस प्रकार से आपकी पार्टी के पूर्व विधायक आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बात देखिए बोलने का नहीं होती है, लेकिन किसी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना और पार्टी के ऊपर आरोप लगाना बहुत बड़ी बात होती है। नवीन प्रसाद जी, अभी मदन कौशिक का जिक्र लगातार हो रहा है कि मदन कौशिक पर आरोप यहाँ पर प्रणव सिंह चैंपियन ने लगा दिए हैं, आपकी पार्टी से विधायक भी रहे हैं वो, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा। देखिए मैंने कहा ना कि अगर उनके पास कुछ है तो पार्टी को उनको देना चाहिए था। यहाँ पर एक संगठन है हमारा, माननीय अध्यक्ष जी है यहाँ पर संगठन के शीर्ष पर, और भी शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, आप एक बात को फोरम से रख सकते हैं, अगर उन्होंने कोई बयान पब्लिक में दिया है तो उसको उनको साबित करना पड़ेगा और इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है। अब जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस में भी कई बार होता है, आप देखते हैं हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी का बहुत जो शीर्ष नेता कांग्रेस के उनके आपस में ही हो जाती है, इतने बड़े शीर्ष नेता तो चैंपियन हमारे हैं नहीं जितने हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह कांग्रेस के हैं। तो ये इस बात को इस बात पर खींचना
सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासनहीनता यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती है। इसका संज्ञान लेकर पार्टी द्वारा नोटिस दिया। बात करते हैं आप, कभी आपके कैबिनेट मंत्री थप्पड़ कांड करते हुए नजर आते हैं, कभी आपके मंत्री जो है वो गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ तस्वीरें वायरल हो जाती है। सर क्या ये क्या हो रहा है? अनुशासन की बात करते करते अनुशासनहीनता पर क्यों ये मंत्री उतर आए हैं? देखिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि अनुशासन यहां पर सबसे ज्यादा है, अनुशासन का पालन किया जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी कोई बयानबाजी करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पार्टी उसका संज्ञान हमेशा लेती है और पार्टी नोटिस देती है, पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई की करती है और जो भी उचित एक्शन उसमें लेना होता है उसको पार्टी लेती है। देखिए नवीन, तो जैसा जिस प्रकार का कृत्य होगा, वो कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना तो उसकी सराहना करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उसको आगे तक पहुंचाने वाले कोई बहुत कम लोग होते हैं आमतौर पर भी देखे तो। लेकिन जीवन में अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं ना, उसको बहुत ज्यादा और मिर्च मसाला लगाकर अगर आगे परोसा जाता है तो इस तरह की छवि जो फिलहाल उत्तराखंड में हम भाजपा की देख रहे हैं, कभी प्रेमचंद अग्रवाल जी थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से पार्टी को फर्क पड़ रहा है क्योंकि जनता सब याद रखती है। आप भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगी, लेकिन एक वोटर जब वोट देने जाता है उसे सब याद रहता है। नहीं, वो बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो उस व्यक्ति पर असर पड़ता है, पार्टी पर असर नहीं पड़ता। पार्टी की विचारधारा अलग होती है, पार्टी व्यक्ति से नहीं होती है, पार्टी से व्यक्ति होता है। अगर एक शरीर का भी कोई अंग आप देखते हैं कि कभी कभी अगर कहीं होता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको निकाला जाता है, उसको अलग किया जाता है, तो जिस प्रकार से होता है, अगर उसको उपचार होता है तो उपचार किया जाता है और उसमें बीमारी घातक हो जाती है तो उसको काटना भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से पार्टियां भी अनुशासन, वो अंग ही अलग ना किया जाए तो वो तो फिर सबको सड़ा देगा ना। नहीं, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कौन अंग कितना खराब है उसको देखना पार्टी का काम है ना, वो पार्टी अपने स्तर पर देख रही है। अगर उस किसी चीज का उपचार हो सकता है तो पहले उपचार पर प्राथमिकता दी जाती है, अगर उपचार नहीं होता तो अंग को अलग किया जाता है और यही नीति सभी अपनाते हैं। ज्यादा प्रयास लगाए जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाली बात भाजपा हमेशा से ही करती है। नहीं नहीं, आप देखिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं, उपचार देखा जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका शरीर का परीक्षण करके उसको देखता है कि किस प्रकार की बीमारी है, बीमारी कहां तक बढ़ी है, इसको क्या करना है। तो वो संगठन का काम है, वो संगठन अपना काम कर रहा है, संगठन ने संज्ञान लिया है, संगठन ने नोटिस दिया है, तो उसका अंग का हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा संगठन उसको देखेगा बहुत अच्छी तरह से। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए कोई भी कदम पार्टी उठा सकती है, वो पार्टी का अपना निजी मामला है। ठीक है अमनदीप जी, अनुशासित पार्टी है लेकिन अनुशासनहीनता हमने कई बार देखी है, नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा, आम लोगों द्वारा, जो आम कार्यकर्ता हैं इनके, पूर्व विधायकों द्वारा, आम जनता तो देख रही है ना। आप चाहे भले कितने ऑर्डर दे दीजिए, भले कितने नोटिस दे दीजिए। काजोल जी, मैं अभी इसी बात पे आने भी वाला था, किस प्रकार से अनुशासन की बात नवीन जी कर रहे हैं। अभी नवीन जी ने कहा कि कुंवर चैंपियन साहब को अगर कोई इशू था, प्रॉब्लम थी, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर बात करते, राष्ट्र नेतृत्व से बात करते या प्रदेश नेतृत्व से बात करते। अब देखिए, यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टी का प्रदेश एवं राष्ट्र नेतृत्व उसकी ना सुने तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो बंदा आके पब्लिक के बीच में बोलेगा। आज पार्टी, अभी माननीय प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि जो अंग खराब हो जाए या जो अंग में दिक्कत हो उसे ठीक करना पड़ता है। तो आप एक, अगर इस प्रकार से अनुशासनहीनता जिस प्रकार से भाजपा के अंदर है और जिस प्रकार से आपके कैबिनेट के मंत्री और पूर्व विधायक सड़कों पर उतर उतर के लोगों को, जो आप कहते हैं कि हम लोग बहुत जनता से जुड़े हुए नेता हैं, मंत्री हैं हमारे पास, वो जनता से जुड़े हुए लोगों का वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल होता है, किस प्रकार से आप गांव के अंदर भी जो वीडियो वायरल हुआ अभी कुछ समय पहले, नवीन जी को भी पता होगा, अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हुआ, अगर ये लोग इस प्रकार से, मैं कहूँ, समझ सकता हूँ कि अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करने आ गए तो इनका तो पूरा कैबिनेट खाली हो जाएगा सरकार का, कि जिस प्रकार से इनके इतने जुड़ाव है धरती से और धरातल से, इतना जुड़े हुए नेता इनके पास कि विधायक और मंत्री लोग जनता पर हाथ उठा रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं और ये जो सिस्टम है। और आज सबसे बड़ा देखिए, कोई, मैंने अभी इससे पहले भी कहा, कुछ चैंपियन साहब जो हैं वो पूर्व विधायक रहे पार्टी से, पार्टी के लिए, मतलब सरकार की कथनी और करनी का फर्क समझ आता है,
कि किस प्रकार से उन्होंने बोला, तो आज सरकार कह रही है जी वो हमारे पास ही नहीं है, वो कोई किसी किसी भी कैबिनेट में नहीं है, हमारा विधायक ही नहीं है। अरे अगर सरकार इस प्रकार से अपनी गलतियों को छुपाएगी तो देखिए प्रदेश के अंदर तो नेगेटिव माहौल है ही। अभी अगर मैं इसकी बात कर लूं या इसके अलावा भी किसी और पर किसी और विषय पर बात कर ली जाए तो चीजें हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी अनुशासन जो इनकी कमेटी है भाजपा की उसको देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश के अंदर दिक्कतें हैं उस पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर कार्य होने। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है काजोल जी, मैंने अभी कहा कि पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के ऊपर जो जिस प्रकार से चैंपियन साहब ने खुलेआम बोला, पब्लिक के बीच में बोला, मीडिया पे बोला, तो यहाँ से साफ होता है कि अंतरकले है आपके। जो आप अनुशासन की दुहाई देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो विधायक और कैबिनेट मंत्री अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और इनके कैबिनेट मंत्री तो इतने अच्छे हैं कि वो सड़क पर उतर के अनुशासनहीनता करते हैं। कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक आम जनमानस को थप्पड़ मारा उन्होंने, किस प्रकार से वीडियो वायरल पूरे सोशल मीडिया पे हुआ। अरे आप कौन से अनुशासन की दुहाइयां दे रहे हैं सरकार को? भाजपा के लोग आज माननीय प्रवक्ता साहब कह रहे हैं हमारी पार्टी अनुशासन है, हमारे यहाँ बहुत अनुशासन है। ये अनुशासन का फल है जो आज प्रदेश के सामने आ रहा है। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा वो जब भर जाता है तो छलकने लग जाता है, वो सरकार आज जो इनके अंतरकले हैं वो आज बाहर आ रहे हैं उभर के। वरना आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर इतना अनुशासन होता तो प्रदेश एवं राष्ट्र नेतृत्व इसमें पहले ही बात कर लेता चैंपियन साहब से। या आज वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ूंगा, कह रहे जी मुझे बिजनौर अमरोहा या सहारनपुर की सीट से लोकसभा चुनाव में लड़ूंगा। ठीक है उनकी अपनी बात है और पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी वो तो लड़ाएगी, लेकिन लेकिन इस पे बात होनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार से विधायक पूर्व विधायक बयानबाजी करेंगे तो प्रदेश के अंदर तो आपकी जो अनुशासनहीनता की आप धुआइयां दे रहे हैं उसकी तो धज्जियां उड़ाई दी उन्होंने, वो सभी को दिख गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर अनुशासन पे अगर आप कार्रवाई करने पे आएंगे आपकी पूरी कैबिनेट साफ हो जाएगी, विधायक साफ हो जाएंगे। कांग्रेस को तो बहुत मौका मिल गया है, कांग्रेस को आप लगातार मौका देते भी आ रहे हैं 2022 के बाद से ही, एक और मौका मिल गया है। अनुशासनहीनता, अनुशासन वर्सेस चल रहा है, कैबिनेट कह रहे हैं कि खाली हो जाएगी अगर इस पर कार्रवाई करने की शुरुआत हो गई। कांग्रेस अपने अंदर के सिर्फ फुटबॉल को पहले देखे। आप भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी नहीं हुई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अनुशासन तो है ही तभी तो हुई है। हम अपना संभाल लेंगे, आप अपना संभालो, अपनी तैयारी करो, आगे चुनाव में कैसे खड़े होगे, आगे और विषयों पर देखो, ये मैटर हम सब निपटा लेंगे। हमारी पार्टी में संभाल भी रहे हैं, इनको निपटाने के लिए सफिशिएंट संगठन है, संगठन का हर स्तर है। बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आप भी मत बोलिए, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपनी पार्टी को दो। कांग्रेस की नसीहत पर हमारी अनुशासन समिति नहीं चलेगी। आप अपना देखिए ना, आपके विधायक सड़कों पर लोगों को, कैबिनेट मंत्रियों को मार रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लोगों को मार रहे हैं, नेताओं में फुटबॉल है। आप जो बात कर रहे हो अभी इसमें ज्यादा जरूरत है, पार्टी खत्म हो चुकी, पार्टी उत्तराखंड से ज्यादा जरूरत है, चाहे वो 24 का चुनाव हो, अरे उत्तराखंड खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो चुकी है, ज्यादा जरूरत है इस समय मेरे हिसाब से। आप अपने नेताओं को इकट्ठा करो, चार नेताओं को इकट्ठा करो, और प्रदेश नेतृत्व नहीं सुन रहा है, आप क्या चुनाव में खड़े होने की कोशिश तो करो, कम से कम आपको 24 में भी बहुत बड़ी नसीहत होने की कोशिश करो भैया, पहले आप बताइए ना, चार आदमी इकट्ठे करो, चार नेताओं को बिखरे हम को एक नेता लाने की कोशिश करो, तो भारतीय मान्यवर आप हमें नसीहत की जरूरत नहीं है, आपको नसीहत की जरूरत है। शत्रुमुर्गी की जान मत चलो ना, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, आप शत्रुमुर्गी की अनुशासन पर कौन सी दुहाई देते हैं, आप कौन सी अनुशासन की मांग करते हैं, आप उसको देखो पहले और अपने उसको संभालो, कुंभे को आप बताइए, कुंभे को संभालो, लोकसभा चुनाव के सामने चार आदमी है नहीं, चार कार्यकर्ता है नहीं, उनको इकट्ठा करो, कुछ तो करो, अनुशासन की कौन सी दुहाई दे रहे हैं आप, शत्रुमुर्गी चाल मत चलो, आगे देखो, आगे नवीन प्रसाद जी कुछ बोले थे, नवीन प्रसाद जी जो छवि खराब करेगा
भाजपा हमेशा से ही उसको किनारा कर देती है, कब एक्शन लिया जाएगा इसका इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किस किस पर लिया जाएगा। देखिए, जहां जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां पर एक्शन जरूर लेगा। यहां पर भी नोटिस गया है, उस नोटिस का आप जवाब आने दीजिए, उसके बाद जो आपको एक्शन दिखेगा वो भी दिख जाएगा। तो कुछ दिन का इंतजार कीजिए, नोटिस का एक टाइम होता है और उनको जवाब देने का अपना हक भी है, क्योंकि बिना एक तरफा कार्रवाई करना कभी भी ठीक नहीं है। उनका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद कार्रवाई जो भी होगी संगठन करेगा, उसको पार्टी करेगी, पार्टी के हित में पार्टी हमेशा संगठन निर्णय लेगा। आप दोबारा अपना सवाल करेंगे? नवीन जी, मैं कह रही हूँ तब तक तो कांग्रेस अच्छे से इस पूरे मामले को बना देगी, और कहीं ना कहीं देखिए हर मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरीके से जा रही है, तो इस बार थोड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है कांटे की टक्कर हो। कांग्रेस में सब बिखरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता में कैसे जाए उनको समझ नहीं आ रहा है। हरीश रावत जी ने बड़ी कोशिश की थी परसों कांग्रेस को बिल में से निकालने के लिए, 100 मीटर की यात्रा उन्होंने की थी, लेकिन कांग्रेस फिर भी बाहर नहीं आ पा रही है, बड़ी मुश्किल उनमें संगठन की आ रही है। तो कांग्रेस कहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, कहीं नहीं है कांग्रेस, उत्तराखंड में खत्म हो चुकी है कांग्रेस, कहां है बताइए। अमनदीप भाई आ रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, दो चार प्रवक्ता आ जाए, ग्राउंड पर कहीं नहीं है मामला, न्याय यात्रा कहीं नहीं है कांग्रेस। नवीन जी देखिए, आप बोल रहे हैं कि अमनदीप भाई स्क्रीन पे आ रहे हैं लेकिन धरातल पर कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये आपकी भूल है और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो थोड़ा सा हिसाब किताब है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, धरातल की बात है तो धरातल पर हम हैं, बिल्कुल हैं, और मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है मुद्दा नहीं है, बता रहा हूँ जो विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है प्रदेश के अंदर जो गलतियां सरकार द्वारा है उसके मुद्दे उठाना। अब देखिए, मैं अभी ये जो हमारी बहस हो रही थी, मैंने बहस के बीच में भी आपको यही बात बोली, आप बोल रहे हैं 24 की बात, आपको नसीहत की जरूरत है, मेरी नसीहत पूरी सरकार को है कि आप थोड़ा सा काम धरातल पर कीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हालांकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, आप कीजिए उस काम को। और दूसरी बात, अभी जैसे अभी अंकिता भंडारी केस का देखिए, मामला बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, अभी तक न्याय नहीं मिला, लेकिन अभी दो दिन पहले उनकी मदर का, माता जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुद रोते हुए नजर आती है और कहती है सरकार से कि हमें न्याय दो हमारी लड़की को। तब आपके कैबिनेट मंत्री कहाँ जाते हैं, तब आपके विधायक कहाँ जाते हैं, तब आपके प्रदेश के प्रवक्ता कहाँ जाते हैं, सरकार साथ नहीं है, सरकार साथ नहीं है, आपके विधायक। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कार्रवाई की बात कर रहे थे, अनुशासन की बात कर रहे थे, आपने वो जो विधायक हैं आपकी जिन्होंने बुलडोजर चढ़ाने का कार्य वहां किया, आपने क्या अनुशासन के अंतर्गत लाके उनपे क्या कार्रवाई करी, बताइए मेरे को आप। देखिए, अतिक्रमण पर डीएम के आदेश के बाद जो कार्रवाई हुई है, रातों रात अतिक्रमण आ जाता है क्या, रातों रात एकदम डीएम के आदेश हो गए जी हटा दीजिए, आप इसके बहुत सारे वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है अंकिता के पिता का, और सीधे तौर पर बीजेपी के संगठन मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वही वीआईपी हो सकता है। अभी दो दिन पहले अंकिता की दादी का देहांत भी हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और इंसाफ नहीं मिला है जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें अभी भी खा रहे हैं। आप कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है, जब परिवार ही नहीं मान रहा कि इंसाफ हुआ है, तो आम जनता कैसे मान लेगी कि अंकिता के साथ इंसाफ हुआ है, देश कैसे मान लेगा, प्रदेश कैसे मान लेगा। काजोल जी, मैं इस केस के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब ये हुआ था तो सभी को दुख हुआ, हम क्योंकि हम सब उत्तराखंडी हैं, किसी के साथ अगर ऐसा होता, किसी परिवार के साथ, तो बहुत दुख होता है। लेकिन हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने देखा कि सभी दोषियों को गैंगस्टर एक्ट लगा के 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर भेजा था, हमने बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत फास्ट काम किया और 48 घंटे के अंदर बॉडी रिकवर हुई। यहाँ पर डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के माध्यम से जांच कराएगी, जिस जांच को न्यायालय ने माना कि जांच न्यायालय जांच से पूरी तरह संतुष्ट था, सरकार ने उनको कांग्रेस गलत बोल सकती है, कांग्रेस जांच पर उंगली उठा सकती है, लेकिन परिवार भी तो किसी चीज को लेकर मांग कर रहा है ना, परिवार तो अगर सरकार की जो जांच है, आप ये देखिए कि जो कमेटी की जांच है, जो एसआईटी की जांच है, उससे न्यायालय संतुष्ट है, न्यायालय ने कहा कि जांच बहुत अच्छी तरह से हुई है,
तो ये अब सरकार और सरकार लगातार आर्थिक सहायता भी दे रही है, वकील भी मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री जी खुद, मैं एग्जांपल दूंगी अगर, तो बिल्कुल बालों के केस में भी बहुत जल्दी से फैसला सुना दिया गया था, अभी कल ही एक उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो ऐसा उस पर कोई वो नहीं है कि अब न्यायालय भी एसआईटी की रिपोर्ट को सही मान रहा है, आगे जांच होने दीजिए। नहीं तो हमने कब मना किया? हमने कभी मना नहीं किया। कोई भी जांच के लिए सरकार से जो भी हो सकता है सरकार उस काम को करने के लिए है। सरकार अब न्यायालय के बीजेपी को चाहिए कि अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसको जल्दी से समेट ले, वरना असर लोकसभा चुनाव में नजर आ जाएगा। ठीक है अमनदीप जी, देखिए हम बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि उसके केस का जल्दी खुलासा हो, जितनी सरकार उस पर कर सकती है एक्सपेडाइट कर सकती है केस को, सरकार अपने लेवल पूरा कर रही है। हमने चाहे वकील बदलने से, अच्छा वकील उपलब्ध कराने से लेकर सारा उनका किया, सारे परिवार के हिसाब से जो भी उन्होंने कहा हमने वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया है। आप उनसे पूछ सकते हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी उनके उनके परिवार के टच में है। अगर वहां पर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही तो वो भी सरकार देखेगी, क्योंकि सरकार के लिए सब बराबर है। ये हमारे उत्तराखंड का सवाल है और हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो इसमें, और न्यायालय जल्दी अपना फैसला सुनाए, जल्दी कार्रवाई करे, ये तो हम सभी चाह रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है, जनता भी यही चाहती है। अमनदीप जी, काजोल जी अभी नवीन जी को सुन रहा था। देखिए नवीन जी, जनता तो बहुत कुछ चाहती है आप लोगों से और अंकिता भंडारी के माँ बाप भी बहुत कुछ चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी निरंतर उनके साथ टच में है। अगर मान्यवर मुख्यमंत्री जी उनके साथ टच में है तो ये मेरे मोबाइल के माध्यम से ये एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर अंकिता बहन वीरेंद्र भंडारी जी जो उनके पिता हैं उनके द्वारा जिला अधिकारी महोदय पौड़ी को लेटर लिखा गया है कि जो उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है और जो उनके गवाह हैं और जो उसके अंदर लोग हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। अगर सरकार इतना उनके साथ क्लोज बॉन्ड में है तो उनको ये लेटर वीडियोस क्यों? आप हमारे पे उंगली उठा सकते हैं, कांग्रेस को बोल सकते हैं कि जी ये मुद्दा भुनाने का कार्य कर रही, लेकिन ये मुद्दा भुनाने का नहीं है। नवीन जी आप सुन लीजिए दो मिनट, ये मुद्दा नहीं भुना रहे हैं। देखिए वो हमारी प्रदेश की बेटी थी, ठीक है, हम उसके लिए न्याय मांग रहे हैं, जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा हमें उच्च न्यायालय पे बहुत विश्वास है। बिल्कुल अभी भी एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने आया दो दिन पहले, जो गुजरात सरकार की जो आपकी भी आप ही की सरकार है, जो उनके बरखिलाफ वहां पे बात हुई वो आपको भी पता है। तो यहाँ से जो ये चीजें होती हैं, अगर ये लेटर है और लोग हैं, आप अपने अंतर्कलहों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप अपने वीआईपी का नाम नहीं बताते हैं। आज जो ये बात हुई है ये सारी की सारी, मैंने अभी इससे पहले भी कहा, तो आपने विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करी, उनके द्वारा इतना बड़ा कारनामा वहां रचित कर दिया गया, देखिए बहुत बड़े सवाल है। कलह का क्या असर धरातल पर नजर आता है और क्या एक्शन लिया जाता है? आप दोनों को बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, साथ ही साथ उन्होंने मदन कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, फिलहाल उन्हें नोटिस जारी हुआ है, नोटिस का जवाब आता है तो देखना होगा कि एक्शन क्या लिया जाता है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।